पढ़े ना बुखारी मुस्लिम, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने फरमाते नजरानी चादर हुजूर ने ओढ़ी हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, जनाबे फारूक आजम भी साथ हैं, तो कहते हैं पीछे से एक शख्स ने ना हुजूर की वो चादर, उसमें सुर्ख धारेदार तारे थी, तो पकड़ के ना उसने चादर हुजूर की खींची तो वो जो चादर थी वो हुजूर के गले में फिर गई। फरमाते मैं वो तकलीफ महसूस कर रहा था तो वो खींच के ना चादर, तो कहने लगा मैं कुछ मांगने आया हूं। जो दरवाजा जोर से खटखटाए उसे भीग देते हो, मैं तो दौड़ जा दरवाजा तोड़ेगा। लेकिन हदीस के लफ्ज हैं फल तफाता इलैहि फदाहिक। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब मुस्तफा करीम ने उसकी तरफ देखा तो हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहां मुस्कुराना कमाल है। आला हजरत बरेलवी कहते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर ने तवज्जो की तो मुस्कुराए, फरमाया क्या लेने आयो? कहने लगा भिखारी हूं, कुछ लेने आया हूं, चादरें खींच के मांग रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिया कितना? मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर बे बहा दिए हैं। नबी करीम ने फरमाया ये दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे दे दो, दो पहाड़ियों के दरमियान जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इसे। वो आया था तो उसे अदब अदाब भी नहीं आते थे, मांगने का तरीका भी नहीं आता था, लेकिन गाँव गया तो जाके दीन का मुबल्लिग बन गया। क्या तबलीग करता है? कहता हो लोगों गुरबतों से परेशान लोगों आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मदीने ले चलूं। मेरे रसूल इतना देते हैं कि गुरबत का डर भी निकल जाता है। जब तबीयत के अंदर इंसान के एक मिजाज बन जाए ना, आप यकीन करें कि बड़े ठंडे लोग, मस्त लोग, परवाह ही कोई नहीं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जिंदगी में जो दूसरों को सीधा करते करते ना खुद बड़े टेढ़े हो गए, हालात खराब हो गए। इमाम अहमद बिन हम्बल वो रवायत लाए हैं, जब एक शख्स ने आकर हजरत उमर से कहा था मैं तकरीर करना चाहता हूँ, तो फरमाया तू ना करना। उसने कहा हुजूर मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना करूँ? फरमाया जब तू मिंबर पे बैठ के वाज करेगा तो बहुत सारे लोगों को गुनहगार भी तो समझेगा ना, तो तेरा अपना क्या बनेगा ये भी तो बता ना, या फिर तेरे अंदर के लेवल का क्या बनेगा? अपने आप को ना इन कबाहतों से, अगर आपके कपड़े ठीक नहीं, आप सुकून में नहीं है, तो आपके अंदर मैल हो तकबर की, हसद की, गीबत की, चुगली की, और सबसे बड़ी बदगुमानी की, बुरा सोचने की, फिर आप कहें कि मैं सुकून से, आप यकीन करें हमारा कोई मुखलिस दोस्त इसलिए नहीं होता कि हम किसी को मुखलिस समझते ही नहीं। हमारे जमाने में सच्चा इसलिए कोई नहीं कि हम किसी को सच्चा समझते नहीं। हमें बुजुर्ग इसलिए नहीं मिलते कि हम किसी को बुजुर्ग नाराज ना होना, मेरी बात पर गौर करना। हमारे यहाँ इसलिए कोई हमारा हमदर्द नहीं कि हम किसी को हमदर्द, हमारे बंदे को तो दुकानदार कह रहे हैं, हर बंदे को तो झूठा कह रहे हैं, हर बंदे को तो धोखेबाज कह रहे हैं, हर शख्स तो हमारी नजर में जाहिल है, हर आलिम तो माज अल्लाह हमारी नजर में बेअमल है। तो जब इस कदर ज्यादा हमारा जहन बुरा हो जाएगा, या यू अल्लज़ीना मनुजतनिबु कसीरम मिन ज़न्न इन बादा ज़न्न, इस इतना बुरा सोचेंगे तो फिर तो हुजूर ने फरमाया नहीं कि अल्लाह तुम्हारे गुमान के करीब है, इस तरह का गुमान करते हो रब भी वैसा ही बन जाता है। तो अपनी सोचों को सुथरा करें, अपनी तबीयत में नरमी लाएं, आप अच्छे बंदे ढूंढने मिलेंगे तो रब आपको ढेरों बंदे अता करेगा। अपने अपने आप को कमजोर ना करें, कभी छोटा ना करें, छोड़ें अपनी निजी मजलसें भी पाक करें, साफ सुथरी करें और खूबसूरत करें, और अपनी जो खलवतें जलवतें उनमें मेहनत करें, अपने से दूसरों को अफजल जानना सीखें, लोगों का इकराम करना सीखें, आदाब सीखें, और लोगों के बारे में अच्छी गुफ्तगू करनी सीखें। आप यकीन करें ये काम आप किसी के लिए करके देखें, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था हज़रत जी मेरा दिल बड़ा बेसकून रहता है तो कोई वजीफा दें, तो उसका ख्याल था कुछ पढ़ने को बताएंगे, तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे इस तरह कर, किसी बंदे के साथ नेकी कर पर उसे पता ना हो मेरे साथ कौन कर रहा है, उसे खबर। फरमाया इस तरह की नेकी कर फिर रब तेरे दिल को करार अता करेगा। वो जो दिखा के मस्जिद में पैसे दिए जाते हैं वो नाम तो हो जाता है पर सुकून ले जाता है वो, लेकिन जो छुपा के नेकी होती है वो ज़रा मज़ा कर जाती है। उठ फरीदा सुत्या चाड़ू दे मसीत, तू सुते ते रब जागदा तेरी डाढ़े नाल प्रीत। उठ फरीदा सुत्या ते खलकत वेखन जा,
मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा आखिर दावा।